बंदाओ सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय जासु कृपा दिन करन करी भ्रमतम देत न साय। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम सब हमारे साथी के द्वारा संग और कुसंग पर चर्चा सुन रहे थे। संग का परिणाम क्या होता है और कुसंग का परिणाम क्या होता है, आइए मैं भी इसी विषय पर थोड़ी देर आप सबके बीच अपना विचार रखने जा रहा हूँ। करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति धर्म करे ते सुख को भोगे, पुनः देह धर जूटे भक्ति किए से मुक्ति को लेवे, जग व्यवहार न घोटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे छोड़ कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे होवे शक्ति विफल नहीं तन की, निज कार्य मन पोटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति तृष्णा रहे सुसुख को पावे, करस चाल टूटे तृष्णा रहे सुसुख को पावे, करस चाल टूटे होवे शक्ति विफल नहीं तन की, निज कार्य मन पोटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति देह स्वभाव शुद्ध सब होवे, जीव अज्ञान न कूटे देह स्वभाव शुद्ध सब होवे, जीव अज्ञान न कूटे कहें कबीर सुफल तेहि काया, जन्म मरण से छूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, करे गुरु भक्ति। संग दो है, कुसंग और सुसंग। कुसंग का परिणाम अनादि काल से यह जीव जन्म मरण के चक्र में भटकते चले आया है अनादि काल से। यदि सुसंग नहीं किया तो यह जन्म मरण का प्रवाह जो अनादि काल से चल रहा है वह छूट नहीं सकता है, छूट ही नहीं सकता है। रास्ता दो होता है,
संग या कुसंग, कुसंग का परिणाम भयंकर है, दुख त्रय तापों के कांटे चुभता है, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, जन्म मरण और गर्भवास, इसी चक्र में जीव भटक रहा है। और जो कुछ मिला है, तन मिला, धन मिला, पति पत्नी, सब का छूटना पक्का है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं होता है। ये सब मेरा है, सब साथ में जाएगा, क्योंकि कुसंग का आसक्ति इतने जबरदस्त है, छोड़ा नहीं जा सकता है। यदि छोड़ दे, करे गुरु भक्ति ज्ञान धन लूटे, गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा, तो ज्ञान रूपी धन मिलेगा। खूब लूटो, ज्ञान रूपी धन है। और कौन से ज्ञान? भौतिक ज्ञान ही नहीं, भौतिक ज्ञान के लिए जगह जगह विद्यालय बना हुआ है, लाखों की संपत्ति आप कमा सकते हैं, लेकिन आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते हैं। आत्मा कल्याण के लिए एकमात्र विद्यालय है तो अध्यात्म का ही है, और गुरु की, गुरु ही वहां का वाइस चांसलर होता है। यदि गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार हम चलते हैं तो इसी जीवन में सारे आसक्ति को दग्ध कर जन्म मरण से मुक्ति आज ही हो सकती है। जियत न तरे मोए का तरी हो, जियत ही जो न तरे, गही पर ती तकी न जिन जासो, सोई तहां अमरे। जीते जीते जो अपना भवबंधन नहीं काट सका तो क्या मरने पर कटेगा? जियत न तरे मोए का तरी हो, जीते जीते भवबंधन आसक्ति राग को ध्वंस करना है। कुछ मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, धोखे में हम जिंदगी खो रहे, मेरा है करके। इसलिए सदगुरु ने कहा है, मेरा है मेरा है ऐसा मोड़ जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन यहाँ है, शव के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है। छोड़ो झूठी तन की आशा, धन की आशा छोड़ो, अहंकार की दुर्धर बेड़ी को विवेक से तोड़ो। मैं मेरी माया के पिंजड़े से उड़ के निर्मोही, अरे भाग चले जा उस प्रदेश में जहां असंख्य द्रोही। तू दृष्टा है सारे जग का, दृश्य दूर माया है, तू चैतन्य अमर अविनाशी क्षण भंगुर काया है। जग की जितनी स्थितियां हैं भरी सात सहता से, नित्य निरति से शुद्ध शांत तो स्थित तन्मयता से। मेरा क्या है, मेरा कौन है और क्या है?
बोध होने के बाद में भी जीव भटकता है। बोध हो गया, मेरा कोई नहीं, कुछ भी नहीं, कहने का होता है। किसी के घर में बेटी का विदाई होती है तो बेटी का माना हुआ माँ है, बहन है, भाभी है, सब तड़प तड़प करके रोती हैं। लेकिन जो तड़प करके रो रहे हैं उनके घर में दूसरे पड़ोसी लोग आके समझाते हैं, धीरज बंधाते हैं। लेकिन जब उनके घर में बेटी का उनके बेटी का विदाई होती है वह भी तड़प जाता है, क्योंकि बंधन ऐसा, मोह ऐसा है, जबरदस्त मोह है, ममता है, आसक्ति है, छूटता नहीं। तो संसारी लोग तो भटक रहे हैं, ज्ञानी से ज्ञानी साधु कहलाने वाले भी भटक रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, अमहल महल दीवाना, दोनों दीवाना बन करके केवल सत्य असत्य है, कुसंग रूप है, प्राणी और पदार्थ सत्य हो नहीं सकता तीनों काल में, लेकिन उसी के पीछे जीवन को खोता है। छोड़ी कुसंग सुसंग में लागे, मिथ्या खर्च से छूटे, होवे शक्ति फल नहीं तन की, निज कारण मन कूटे। कुसंग को छोड़ने पर ही सुसंग मिलेगा, और सुसंग में लगेंगे तभी कुसंग छूटेगा। इसलिए गुरुवर कबीर देव कहते हैं, भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसहु कह मन लागे। ए भाई, नयनों के रसिक है रूपा शक्ति विषया शक्ति से जो जग जाएगा तो उसका मन पुनः संसार में भटकेगा नहीं, और जिसका मन स्वरूप में लग जाएगा, गुरु में समर्पित हो जाएगा, उस संसार में भटक नहीं सकता। जो संसार में भटकेगा वह गुरु में लग नहीं सकता है। इसलिए जागने की आवश्यकता है, कुसंग का त्याग और सुसंग में लगने की आवश्यकता है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि प्रसंग तो कहते रहो खत्म होता नहीं है, लेकिन परम पूज्य श्री साहेब जी के दर्शन और वाणी दोनों अनमोल है, आज हमें मिला है। पता नहीं यह अवसर फिर कब मिले कि ना मिले, इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और परम पूज्य श्री साहेब से निवेदन है, आप हम सबको जगाने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।